चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, चूंकि आप इस वक्त सीमा सचिन के घर के बाहर मौजूद हैं, हमने आपकी एक रिपोर्ट भी देखी, आपने सीमा सचिन के डॉक्टर से भी बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने और बताया कि कैसी उनकी तबीयत बिगड़ी, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल कल रात ही सीमा हैदर और सचिन की जो है तबीयत बिगड़ गई है। लगातार जो है वो लोगों से बातचीत करने पे गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, जिसके बाद उन्हें रात से ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त जो सीमा हैदर का है घर पूरी तरह से बंद है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं और किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। जो कि डॉक्टर जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे सीमा और सचिन को, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कल रात से ही जो है तबीयत बिगड़ी हुई है और अभी भी जो है ड्रिप चढ़ाई जा रही है, और अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। वहीं जो वकील हैं एक, वो भी सीमा हैदर और सचिन से मिलने के लिए आए थे, और तमाम जो लोग हैं और जो जिसको जो कि रबुपुरा के लोग हैं वो भाभी मानते हैं सीमा को, उसके उनको देखने के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ख़राब सेहत का हवाला देकर लोगों को किसी और दिन आने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए तमाम जो मीडिया है वो मौजूद है और वो लगातार ये जानना चाहते हैं जो दावे किए गए थे, और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो जी न्यूज़ ने भी जाकर देखी है तो उसमें कई सारे ऐसे दावे हैं जिसकी सच्चाई जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही जैसा कि सीमा बता रही थी। तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब जानना है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन की तबीयत जो है वो अभी थोड़ी सी नासार है और इसीलिए वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं ठीक है। प्रमोद, और साथ ही लगातार क्योंकि सीमा हैदर के मामले को लेकर जांच भी हो रही है, जांच में और आगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या खुलासा होता है, इस पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Z News.